सो है गुड मॉर्निंग एंड अभी हम लोग जस्ट लोकेशन पे पहुँचे हैं, मतलब वहाँ पर नहीं, जस्ट यहाँ पर कमला इंस्ट्रूमेंट्स में, एंड यहाँ से भी निकलने की तैयारी हो रही है। तो हमारे एक भैया आ गए हैं, विवेक भैया, और ये कैस्पर पता नहीं क्या कर रहा है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। और इसी से हम लोग जा रहे हैं और ये रेडी हो गई है, सब सामान वामान इसमें लोड कर दिया गया है। बट लेट क्यों हो रहा है भैया? तो हमारे मुन्ना जी ड्राइवर साहब थोड़ा लेट कर रहे हैं आने में। तो मुन्ना अंकल आ गए हैं, हम लोग का इंतजार खत्म हो गया है। ओम साई राम। निकल रहे हम लोग। आप वहाँ पे कम्फर्टेबल हैं? एकदम बढ़िया है, मजा आ रहा है। हम लोग जा कहाँ पे रहे हैं? हम लोग सरायकेला। और यहाँ से कितना टाइम लगेगा और जाने में? यहाँ से 2 घंटा लगेगा कम से कम। 2 घंटा के अप्रॉक्स लग जाएगा। तो अभी 2 घंटा के अप्रॉक्स और लगेगा हम लोग पहुँचने में। पहुंच चुके हैं। ये बस से ट्रॉली सब उतारा जा रहा है, यहाँ पे लगा के टेस्टिंग किया जाएगा। अभी टेस्टिंग कॉल करेंगे। तो अभी मुन्ना अंकल के द्वारा सेटअप को लगाया जा रहा है। गौरव भैया, आशीष भैया और मुन्ना अंकल सब लोग मिलकर सेटअप को लगा रहे हैं। अभी ये सबको फिक्स किया जा रहा है, फिर ये सबको ले जाया जाएगा टेस्टिंग के लिए आगे। तो ट्रॉली अभी फुली लोडेड हो चुका है, ऊपर में सोलर प्लेट्स लग चुके हैं वायरिंग के साथ, और नीचे टूल बॉक्स को आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें मोटर वगैरह सब चीज़ रहता है। काफ़ी स्पेशियस है, ये जगह अच्छा खासा है। टूल बॉक्स में भी आप सब रख सकते हो। अभी मोटर का काम रेडी हो रहा है, वायरिंग का प्रोसेस चल रहा है। अभी गौरव है लोग अंदर लेक में पाइप डालकर टेस्टिंग का काम शुरू होगा। तो अभी वो लोग एक्सप्लेन करेंगे कि इस प्रोसेस को कैसे यूज़ करते हैं एंड क्या क्या इसका फ़ायदा है, क्या क्या नहीं है। तो देखो इसको। तो अभी ट्रॉली निकाल के सेट कर दिया गया है और दीदी लोग भी सब लोग आ चुकी हैं। एक दीदी यहाँ, बाकी जिलों वहाँ, और यहाँ पे पाइप का काम चल रहा है जो मुन्ना अंकल लोग कर रहे हैं, और वहाँ पे ट्रॉली को तैयार किया जा रहा है टेस्टिंग के लिए, क्योंकि धूप अभी इस तरफ है ऊपर में। सुबह के 12:20 हो रहे हैं, अब टेस्टिंग के लिए बहुत अच्छा समय और अच्छी खासी धूप आ रही है। तो अभी ट्रॉली अनफोल्ड हो गई है। ट्रॉली को अनफोल्ड कर दिया गया है। ट्रॉली अनफोल्ड होने के बाद भी आप एक चीज़ देखोगे कि आप इसको फोल्ड एंड अनफोल्ड किसी भी स्पेस पे कर सकते हो, क्योंकि ज़्यादा स्पेस टेकिंग है नहीं। अनफोल्ड होने के बाद भी ज़्यादा स्पेस टेकिंग है नहीं। आप कहीं पे भी छोटा मोटा स्पेस देख के, जहाँ पे धूप अच्छे से पड़ रहा हो, वहाँ पे इसको आप आराम से लगा सकते हो।
तो लंबाई चौड़ाई की बात करें तो लंबाई में ये लगभग लगभग 9.5 फीट के आसपास है और चौड़ाई में 6.5 फीट के आसपास है। तो आप कहीं पे भी छोटा मोटा जगह पे भी इसको आराम से रख के यूज़ कर सकते हो, जहाँ पे धूप अच्छा से आ रहा हो, धूप अच्छा से आएगा और जब तक आएगा तब तक ये बहुत बढ़िया से चलेगा। तो जब तक यहाँ पे ट्रॉली सेट हो रहा है, एक भी ट्रॉली सेट कर रहे हैं जब तक यहाँ पे अब सब काम कराया जा रहा है मोटर का, जिससे पानी का टेस्टिंग यहाँ पे होगा। यहाँ पे हमारे मुन्ना अंकल और आशीष भैया यो सर के साथ मोटर की टेस्टिंग कर रहे हैं। तो वहाँ पर क्या हो रहा है, तो वहाँ पर मोटर की टेस्टिंग हो रही है अभी अच्छे से। और अभी तक अगर आपको समझ में नहीं आया हो कि कैसे होता है ये सब चीज़, तो पहले तो जो सक्शन पाइप है उसमें पूरा ऊपर का लेवल तक पूरा पानी भर दिया जाता है, एंड जो मोटर का एक नोज़ल है उसमें भी पानी भर दिया जाता है। दोनों जगह जब आपने पानी भर दिया है तो फिर दोनों को कनेक्ट करिए, एंड उसके बाद पाइप से कनेक्ट करके वायर से इससे एनर्जी लेके वो डायरेक्ट चलने लगता है। वो भरा इसलिए जाता है क्योंकि उससे पानी का प्रेशर पकड़े जल्दी, उसके लिए भरा जाता है। और ये मैंडेटरी है कि आपको दिन में, मतलब जब भी आप एक बार स्टार्ट करोगे तो एक बार चेक कर लो पानी, उसमें पानी है कि नहीं है, और अगर नहीं है तो तुरंत से भर दो। और पूरे दिन में एक ही बार आपको करना है, फिर बाद में अगर आप मोटर बंद करके अगर वापस स्टार्ट भी करते हो तो वापस कोई भरने का ज़रूरत है नहीं। तो अभी हम लोग चल के दिखाते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे। इसका प्रेशर देखिए, काफ़ी सही अच्छा प्रेशर आ रहा है इससे अभी मोटर का। शुरू हो गया मोटर, और अभी टेस्टिंग होगा। टेस्टिंग भी हो गया मोटर का। सर में तार लगा हुआ है, ये प्लग है, इसको ये बोर्ड में डालना है, आप आके इसको ऑन करना है, ठीक है? लीजिए करिए आप लोग। जोर से डालिए, जोर से डालिए, बस हो गया ठीक है। हाँ, अब वो स्विच को उधर कर दीजिए। देखिए उधर पानी आने लगा होगा, मोटर ऑन हो गया। पानी सेक्शन में एक बार खाली डालना है, उसके बाद आपका ऑन ऑफ होते रहेगा। बस ध्यान रखना है कि सेक्शन में पूरा पानी होना चाहिए, पूरा भर के, नहीं तो परेशान हो जाएगा, जैसे अभी हम लोग परेशान हो गए थे। फिर बंद करना है तो उसको बंद कर दीजिए, दो तीन दीदी लोग करके देख लीजिए एक बार। बंद हो गया, और एक दो दीदी लोग करना है कर लीजिए, करके देख लीजिए एक बार। बंद करने टाइम ध्यान रखना है, देखिए ये सोलर में कुछ लगा हुआ नहीं है, बाकी ये दोनों में देखिए ऊपर में फोम लगा हुआ है व्हाइट कलर का, ठीक है? लगा दोनों में। इसलिए इसको पहले बंद करेंगे, इसमें कुछ नहीं लगा हुआ है इसलिए इसको पहले हम लोग बंद करेंगे। तो ये स्टैंड साइड में लगा, देखिए इधर बड़ा वाला स्टैंड लगेगा, उधर छोटा वाला स्टैंड लगेगा, यहाँ पे फंसाने के लिए दिया हुआ है। और स्टैंड हटाइए और इसको पकड़ के इसको फोल्ड करिए, अंदर तरफ से पकड़िए, देखिए अंदर खल दिया हुआ होगा ना पकड़ने के लिए, बाहर तरफ से मत पकड़िए, हाथ चिपाएगा आपका। उसके बाद वो सेक्शन को मोड़ के सेक्शन इसके ऊपर रहेगा और मोटर इस बॉक्स के अंदर रहेगा। देखिए ये जो दिख रहा है ये सब यहाँ पे देखिए, वो खल बना हुआ होगा उसमें रखना है, ये दिख रहा है ना, इसमें घुसा देना है। कोई भी चीज़ आपको उठा के लाने की जरूरत नहीं, आराम से इसमें रख के गुड़ करते हुए ले आइए। तो जब सब काम हो जाए तो ला के मोटर और पाइप को इसी तरह से पैक कर देना है, इसी में ट्रॉली में। ये जो आगे स्टिक लगा हुआ था इसको यहाँ लगा दिया गया, स्टैंड को यहाँ रख दिया गया है, इसमें खल बना हुआ रखने के लिए। ये आपको दिख रहा होगा, ये जो है एक उधर भी है एक इधर भी है, इसमें
बाकी ये वायर था काफी है। मोटर आराम से आ गया। साथ में क्या क्या मिल रहा है? रस्सी रहेगा साथ में, पाइप डिलीवरी वाला पाइप 25 फीट जो हम दूर तक ले जा सकते हैं पानी को, और टेल पीस वॉशर जो है यहाँ लगाइएगा सक्शन में, यहाँ पे ऐसे रहेगा उसको, फिर यहाँ से एयर ले लेगा, फिर नहीं चलेगा पानी यहाँ पर। जैसे प्रेशर कुकर कुकर में वाटर रहता है सही वाला, वो अगर वो नहीं रहा तो फिर एयर निकल जाता है, उसी टाइप से इसमें है, अगर ये नहीं रहेगा तो एयर निकल। वो संभाल के रखिएगा, अपने भाग रख लीजिए, भुलाना नहीं लीजिए। तो दीदी आप लोगों का गाँव का क्या नाम हुआ? और जिला? तो सोलर सिस्टम आप लोग गांव में पहली बार आया है? जी सर, पहली बार आया है। तो इसके पहले क्या किस चीज़ का उपयोग करते थे? ये बरसात के समय में ही हमारे गांव में ज्यादा उपज करते, क्योंकि हम लोग डिपेंडेंट नहीं थे इसमें। अब हो गई, बड़ी खुशी की बात है कि अब हमारी जितनी भी महिलाएं हैं, गांव की जितनी सारी महिलाएं हैं, बहुत उत्सुक है, और हम लोग इस कार्य को काफी आगे बढ़ाएंगे। सर हम लोग इच्छा रखते हैं, सभी दीदी रखते हैं कि उपज जरूर करेंगे, इसमें हम लोग को बहुत ही अच्छी होगी, सब्जी बागान होगी, हम लोग आत्मनिर्भर होंगे जी। हाँ, इससे पहले अगर आप लोग जनरेटर का यूज करते थे, डीजल का उसमें लगता था, पेट्रोल का खर्चा होता था, बिजली का अगर करते थे तो बिजली बिल भरना पड़ता होगा, तो इसमें तो आपको कुछ नहीं करना है। नहीं। तो आपका जो भी कमाई बचेगा आप लगाइए अपना खेती में, और अपना आमदनी को बढ़ाइए, दो गुना चार गुना बढ़ाइए आप लोग। तो संतुष्ट है आप लोग इससे? सब लोग खुशी है, सरकार से बहुत धन्यवाद करते हैं, ताकि सभी दीदी लोग और कार्य में आगे बढ़ सके, अपना आत्मनिर्भर बना सके, बच्चे लोगों का पालन पोषण अच्छी तरह से कर पा सके। चलिए ठीक है, तो फिर प्रणाम। वहाँ पे आगे खड़े पकड़ के सपोर्टिंग के लिए दिया हुआ है, ठीक है ना? हम एक बार डाउन कर रहे हैं, छोड़िए आप, छोड़िए उसको, छोड़िए आप, यहाँ से उठाइए, इधर आइए आप, उसको लॉक कर दीजिए, ऐसे जाएगा ये, उस पर कभी मत चलाइएगा, दो चक्के पे चलेगा, समझ गए ना आप?